मैं दिल्ली वाला तो याद दिला देता हूँ कि 18 मार्च 2018 वजीरपुर में भी इसी तरह का एक हादसा हुआ था। उसके बाद 2020 18 अप्रैल दिल्ली सरकार के विधायक प्रकाश जारवाल की उगाही और आतंक से परेशान होकर एक डॉक्टर ने सुसाइड कैश किया था, क्योंकि उसके अभी पानी के टैंकर चलते थे, उससे पैसे मांगे नहीं। और कुछ दिन पहले एकता कैंप वसंत कुंज, वहां पर भी सुबह एक महिला का मर्डर हुआ था पानी को लेकर। और शुक्रवार को फिर फर्श बाजार शाहदरा में पानी पीने के पानी को लेकर एक महिला की हत्या हो जाती है। और दिल्ली की मंत्री का जो कल बयान आया है, अगर उसे पहली नजर में देखें तो ये उनकी आत्म स्वीकृति है कि हाँ हमने गलती की है, हमसे गलती हुई है और हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने उसे घुमाने का काम शुरू किया है। अपनी कमजोरी, पिछले 9 साल के शासन में पानी को, जल बोर्ड को लूटने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके सारे मंत्री, उनकी सरकार अपनी कमजोरी, अपनी चोरी छुपाने के लिए अधिकारियों पर दोष लगाते हैं।